तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में भाई मैं आप लोगों के साथ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए सब्जेक्ट का नाम है, इस सब्जेक्ट के आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगा, साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करूँगा। ठीक है भाई, ये जो सब्जेक्ट है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये BA प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स जो 6th सेमेस्टर में उनके लिए भी है, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए भी है। ठीक है ना, ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के पास है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। चलिए अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो भाई अब हम सिलेबस पे आ गए हैं। ये जो सिलेबस है मैंने SOL की वेबसाइट से डाउनलोड करा है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं SOL की वेबसाइट से। ठीक है ना भाई, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। देखो भाई, मैं आप लोगों को सिलेबस इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि जो आने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा उसे आप मैच आउट कर सको, आपको सिलेबस भी पता चल जाए। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट में, बस थोड़ा बहुत आपको पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा बहुत भाई आपको सीखने की जरूरत है। सीखना क्या, मैं बताता हूँ। जैसे भाई ये राइटिंग पोर्शन वगैरह इन लोगों ने दे रखा है, तो इसका भाई कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिंपली आप लोगों को बस इसके तरीके देख लेने, बुक खोलो और तरीके देख लो कि भाई स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह करते कैसे हैं, रिपोर्ट राइटिंग, एडिटोरियल्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको लिखनी कैसे। ठीक है ना, बस इतनी चीज़ें देख लो, राइटिंग के आपको तरीके देख लेने हैं। बाकी भाई टॉपिक कितने ही घुमा के दे दें आप सब पे लिख ही दोगे, इतनी कॉमन नॉलेज तो होती है। और बाकी भाई कुछ जनरल नॉलेज आप लोगों को है ही, जैसे कि भाई सोशल मीडिया के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक है ना, क्या नहीं पता आप लोगों को, इम्पैक्ट वगैरह सब पता होगा आपको, सोशल मीडिया के टाइप्स भी सबको पता है, फेसबुक वगैरह ये सब आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और आपको दोबारा से मैं सिलेबस एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, आपकी फर्स्ट यूनिट है, ये सारा आएगा फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, बाकी ये आपकी सेकंड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है और ये फोर्थ यूनिट है। ठीक है, चार यूनिट दी गई हैं आप लोगों के सिलेबस में। अब चलिए चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और फिर मैं एंड में आप लोगों को दिखाऊंगा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ताकि आप एग्जाम पैटर्न भी समझ चुके हो। तो भाई बात करते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में भाई सबसे कॉमन बात जो है आप लोगों को पता ही होगी, आप लोगों को टाइम जो है एग्ज़ाम करने के लिए वो 3.5 घंटे मिलेगा, ये तो कॉमनली आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यूजुअली 3 घंटे होते हैं, बस इस साल आप लोगों को आधा घंटा जो है आपको एडवांस दिया गया है, एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है,
अब भाई आपका मार्क्स कितने नंबर का होता है, तो भाई पेपर जो है आपका वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई। साथ ही साथ भाई मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे भाई जो आप पेपर देने जाओगे उसमें वर्ड लिमिट दी गई होती है कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो कितने वर्ड में करना है। तो आप प्लीज़ इंग्लिश के पेपर में आप ये मत सोचना कि मेरे को कितने पेज भरने हैं कितने पेज नहीं भरने, आप डायरेक्ट भाई क्वेश्चन पेपर पर थोड़ा ध्यान देना, वहाँ पर लिखा होगा कि इतने वर्ड लिमिट में आपको करना है। इस वर्ड लिमिट से ना आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है ना ही कम लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वर्ड लिमिट के अंदर लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो अच्छा माना जाएगा, कैची माना जाएगा। यहाँ पे एक और छोटी सी टिप दूँ, आप जो भी आंसर लिखोगे पॉइंट वाइज ही लिखना, ठीक है, उससे आपके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो फिर किसी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। एग्ज़ाम पैटर्न में भाई आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में 6 टोटल क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बट आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 6 नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न जो है चेंज हुआ है, ठीक है, ये ऑनलाइन का क्वेश्चन पेपर है। तो भाई इस बार जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, और हो सकता है कि भाई ये 8 से जो 10 क्वेश्चन है इनमें इंटरनल चॉइस भी हो। इंटरनल चॉइस से मेरा मतलब है जैसे कि मान लो ये 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे और लगा के एक और क्वेश्चन लिख दिया, तो इन दोनों में से एक अटैम्प्ट करना होता है, समझ में आ गया होगा। ऐसा हो सकता है आप लोगों को इंटरनल चॉइस भी दी गई हो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें आप लोगों को बोला गया होगा कि भाई शॉर्ट नोट टाइप लिखिए या इस वर्ड को जो है एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है कि इन वर्ड्स को जो है एक्सप्लेन करना है, कितने वर्ड्स में भाई 25 वर्ड में। तो भाई वर्ड लिमिट आप लोग देखते हुए चलना, हो सकता है हर क्वेश्चन के हिसाब से वर्ड लिमिट उन लोगों ने अलग दे रखी हो या सभी क्वेश्चंस की अलग ही दे रखी हो, ठीक है ना, यानी कि एक ही दे रखी हो। तो वर्ड लिमिट भाई एक बार पढ़ लेना, या तो फिर ऊपर ही मैंशन कर देंगे वो लोग वर्ड लिमिट वगैरह जो इंस्ट्रक्शन दी गई होती है, अदरवाइज क्वेश्चन के साथ ही वो मैंशन कर देते हैं कि इतनी वर्ड लिमिट में आप लोगों को आंसर जो है लिखना है। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा और कॉमन सी बातों पर ध्यान देना आप लोगों को, इजिली आप एग्जाम जो है कर पाओगे। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।